जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स, वेलकम टू माँ के बिहारी ड्रेसेस। मेरा नाम महक है और आज हम सीखेंगे दो नंबर के ठाकुर जी की ड्रेस। देखिए, ये डिज़ाइन आप किसी भी साइज़ में बना सकते हैं, ये हर साइज़ में बन जाएगा डिज़ाइन। देखिए, ये मैंने इस तरीके से बनाया है, येलो और वाइट कलर के कलर कॉम्बिनेशन में। आप चाहें तो इसे आप ये डिज़ाइन किसी भी साइज़ में बना सकते हैं, 4 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, एवरी साइज़ में ये डिज़ाइन ईजिली बन जाएगा और अनदर कलर कॉम्बिनेशन में भी बन जाएगा। देखिए, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि इस डिज़ाइन को किस तरीके से बनाना है। और स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ फ्रेंड, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। सब्सक्राइब करने के बाद साथ में बेल आइकन है उसे भी प्रेस करें ताकि आपको मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन ईजिली मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, मैंने इस तरीके से 2 नंबर की चोली, ये देखिए 2 नंबर की चोली और घेरा रेडी कर लिया है। घेरे के लिए मैंने 1, 2, 3, 4 लेयर्स बनाई हैं। ये मैंने आपको पहले वाली वीडियोस में बनाना बताया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पैटर्न। अभी मैं यहाँ पर वाइट कलर ऐड करूँगी, वाइट कलर का राउंड ले रही हूँ मैं, एक जो कि मैं वाइट कलर ऐड कर रही हूँ बीच में। ये आप किसी भी साइज़ में बना सकते हैं, बहुत ही ईजी ड्रेस है और बहुत ही सुंदर भी लगती है। ये देखिए, पहले मैं यहाँ पर नॉट लगा लूँगी और इसे इसके साथ अटैच कर लूँगी। देखिए, इस तरीके से हम थ्रेड को पुल करेंगे। देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, हमने यहाँ पर 7 चेन ली हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, 7 चेन लेने के बाद हम 4th चेन में जाएंगे, 1, 2, 3, 4th। 4th में जा कर के हम एक सिंगल क्रोशिया करेंगे। ये देखिए, लूप लेंगे और इसी चेन में 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे। ये देखिए, 1 और 2, फिर से 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे, यानी कि 1 और 2, टोटल हमने 2 बार डबल क्रोशिया किया है। सॉरी, ये देखिए 2 बार डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन और एक यहाँ पर सिंगल क्रोशिया। ये देखिए, ये हमारी एक पैटल हो गई है। इसके बाद हम फिर से यहाँ पर 2 चेन करेंगे, 2 बार डबल क्रोशिया, ये देखिए 2 बार डबल क्रोशिया कर लिया है, फिर से 2 चेन और 1 बार सिंगल क्रोशिया। ऐसा हमने 5 टाइम्स करना है। देखिए, 2 चेन, नेक्स्ट पेटल बना रहे हैं, 2 बार डबल क्रोशिया, 1 और 1, 2, फिर से 2 चेन और 1 बार सिंगल क्रोशिया। ये देखिए, हमारी 3 पेटल्स हो गई है। ऐसे हमने 5 पेटल्स बनानी है। ये देखिए, 2 चेन, 2 बार डबल क्रोशिया, फिर से 2 चेन और 1 बार सिंगल क्रोशिया। ये टोटल हो गई हमारी 1, 2, 3, 4, एक और कर लेंगे, 1, 2, 2 चेन, 2 बार डबल क्रोशिया, सेम ही चेन में बना रहे हैं हम जहाँ पे हमने फर्स्ट टाइम बनाया था। ये देखिए, मैं थ्रेड थोड़ा सीधा कर लेती हूँ। अब यहाँ पर 2 चेन और 1 सिंगल क्रोशिया। ये देखिए, इस तरीके से हमारा फ्लावर रेडी हो गया है। अब हमने जहाँ पर फर्स्ट टाइम 2 चेन बनाई थी, ये देखिए, इस पेटल के साथ इसे हम स्लिप स्टिच करेंगे ताकि हमारा फ्लावर अच्छे से हो जाए। ये देखिए, इस तरीके से। और अब हम इसे जॉइंट करेंगे। ये देखिए, 1, 2 और 3, 1 ये वाला काउंट नहीं करेंगे क्योंकि हमने चेन बनाई है, 1, 2 और 3, 3rd में जा कर के इसे सिंगल क्रोशिया से जॉइंट करना है। ये देखिए, तो ये हमारा फ्लावर बन गया है। ऐसे ही मैं एक दूसरा फ्लावर बनाना बताती हूँ आपको। ये देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये मैं बेबी वूल का यूज़ कर रही हूँ इस ड्रेस को बनाने के लिए। 7 बनाने के बाद 4th चेन में आएंगे, 1, 2, 3, 4, 4th चेन में जा कर के इसे पहले हम ऐसे सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर 1, 2 और 3, फिर यहाँ पे डबल क्रोशिया करेंगे, 2 बार, 1 बार और 1 बार और 2 बार, फिर से 2 चेन और 1 सिंगल क्रोशिया। बहुत ही इजी स्टेप है,
देखिए दूसरा पेटल, दो चेन, दो बार डबल क्रोशिया, दो चेन, एक सिंगल क्रोशिया। ये हमारी दूसरी पेटल हो गई। अब थर्ड पेटल, दो चेन, दो बार डबल क्रोशिया, एक और एक दो, फिर से दो चेन और सिंगल क्रोशिया। ये हमारी तीन होगी, तो टोटल मैं ऐसे ही फाइव पेटल बना लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने टोटल फाइव बना ली है, 1 2 3 4 5। अब हम इसे फर्स्ट वाले के साथ ही, ये देखिए फर्स्ट वाले के साथ ही इसे स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरीके से। तो ये हमारा फ्लावर बन गया है। फ्लावर बनने के बाद ये देखिए जहाँ हमने ज्वाइंट किया है उसको नहीं काउंट करना है, 1 2 3 थर्ड में जाकर के इसे सिंगल क्रोशिया से ज्वाइंट करना है। तो ये देखिए हमारे फ्लावर्स की जो सेटिंग है वो इस तरीके से बैठेगी, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरीके से एक के ऊपर एक फ्लावर इस तरीके से आता जाएगा। तो ऐसे ही प्रोसीजर को फॉलो करते हुए मैं पूरे राउंड में फ्लावर्स बना लेती हूँ। कि फ्रेंड्स, मैं फ्लावर्स बनाते हुए एंड तक आ गई हूँ। ये देखिए अभी मेरे पास 1 2 3 4 5, एक फ्लावर और दो फ्लावर्स और बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7। 7 के बाद यहाँ पे हम फोर्थ में जा कर के सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर एक बार डबल क्रोशिया, ये थोड़ा वूल ऐसे ही आ गया है, और एक दो, दो बार डबल क्रोशिया, दो चेन, एक सिंगल क्रोशिया, दो चेन, दो बार डबल क्रोशिया, दो चेन, एक सिंगल क्रोशिया। फाइव पेटल्स बना लेती हूँ मैं। ये देखिए फ्रेंड्स, फाइव पेटल्स बनाने के बाद मैं यहाँ पर इसे इस तरीके से जॉइंट कर दूंगी, और देखिए यहाँ से 1 2 3 थर्ड पे जा कर के इसे मैं जॉइंट करूँगी इस तरीके से, फिर से 1 2 3 4 5 6 7, 7 करके फोर्थ पेटल में हम इसे इस तरीके से बनाएंगे, दो चेन, दो बार डबल क्रोशिया, सॉरी, और फिर से दो बार डबल क्रोशिया, चेन और एक सिंगल क्रोशिया। एक पेटल बन गई है, ऐसे ही फाइव पेटल्स मैं बना लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये लास्ट फ्लावर बना लिया है, और अब इसे मैं ये वाइट थ्रेड पीछे लेकर के, ये देखिए मेरा पूरा ही आया है, 1 2 और 3 थर्ड में जाकर के, जहाँ हमने फर्स्ट फ्लावर बनाया है। अगर एक दो चेन ऊपर नीचे होते तो कोई बात नहीं, ये देखिए जहाँ हमने फर्स्ट फ्लावर बनाया है यहीं पे जा कर के मैं इसे जॉइंट कर दूंगी सिंगल क्रोशिया से। ये देखिए और यहाँ से मैं थ्रेड कट कर दूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हमारी ड्रेस जो है वो बन करके रेडी है, और देखिए कितनी प्रिटी लग रही है। ये फ्लावर्स एक के ऊपर एक आ गए हैं, ये देखिए इस तरीके से। अगर आप चाहें तो जैसे फ्लावर्स की ये इस तरीके से, ये देखिए ये जो यहाँ पर होल है यहाँ पर आप पर्ल्स लगा सकते हैं या फिर कोई स्टोन लगा सकते हैं। देखिए हमारी दो नंबर के ठाकुर जी की ड्रेस कितनी आसान सी बनी है। अगर आप चाहें तो ये डिज़ाइन 5 नंबर 4 नंबर 3 नंबर 2 नंबर 1 नंबर और 0 नंबर में बना सकते हैं। एवरी साइज़ में ये डिज़ाइन इजीली बन जाएगी। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही जुड़े रहिए हमारे साथ ठाकुर जी की प्यारी प्यारी ड्रेसेस बनाने के लिए, और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक प्यारी सी ड्रेस के साथ या फिर पगड़ी के साथ। जय श्री कृष्ण।